हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो रिंग्स। पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैं आपको वो बता देती हूँ। कई लोगों ने ना मुझे मैसेजेस किए थे कि हमें बताएं कि पोटैटो रिंग्स किस तरह से बनाते हैं। तो बहुत इजी और चट से बन जाने वाली रेसिपी, जिसको नहीं भी बनानी है तो जिसने कभी कुकिंग नहीं की उसके लिए भी बहुत आसान है। आलू मैश करके, बॉईल करके मैश कर लिए थे, उसके बाद नमक, लाल मिर्च, पुदीना, गरम मसाला, धनिया और ये चीज़ें जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बेसिक मसाले हैं और यकीन करें बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए जी, अब हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब फोक की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दूसरी साइड पे मैदा जो है वो पहले से गूंद के रख लिया था। मैदा बिल्कुल उसी तरह से गूंदा था जिस तरह हम पूड़ियों के लिए गूंदते हैं। तो देखिए जी, उसके फिर छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के बाद उसकी इस तरह से एक रोटी बेल ली। बेलने के बाद उस पूरी रोटी के ऊपर आलू जो हमने मैश किए हुए थे वो लगा दिए। मैश करने के बाद उसको हम रोल की सूरत में रखेंगे और जैसे ही वो रोल बनेंगे तो इस तरह एक छोटे छोटे से उसके पीसीस कर लेंगे। और जो सॉस हमने इसके ऊपर लगाई थी उसका लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि उससे ना ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो देखें, आपके सामने ये एक कप मैदा लिया था, उसको हमने गूंदा था। अब दूसरी तरफ हम एक कटोरी लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे। ये इसलिए कि हमने जो है ना इनमें डिप करके तो फिर अपने पोटैटो रिंग्स को फ्राई करना है। तो इसमें डिप किया, डिप करने के बाद हमने कढ़ाई में रखा। कढ़ाई में दूसरी तरफ ऑयल गरम कर लिया था और करने के बाद इसी तरह से हम एक एक करके डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और फ्राई, ये देखिए बहुत खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के। तो लीजिए जनाब, पोटैटो रिंग्स तैयार हैं। आप भी अपने घर में लाजमी बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसे बने। बहुत आसान, झटपट से बनने वाली रेसिपी है और जैसे कि मैंने कहा ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो देखें, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट हैं। सॉस का बहुत टेस्ट आ रहा था इसमें, बड़े मज़े के लग रहे थे। तो जी, ये बना के लिए हमने रख लिए हैं। तो जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पोटैटो रिंग्स बनाएं या कोई भी ऐसे स्नैक्स बनाएं कि उस जिसके साथ हम चाय ना पिए। तो जनाब, मैं बना रही हूँ यहाँ चाय। तो जनाब, आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।